वेलकम बैक, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। यह हमारा मध्य प्रदेश जीके का 14वां लेक्चर रहेगा। और दोस्तों, इससे पहले के जो भी लेक्चर हैं सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निरंतर मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आज हम वन लाइनर में देखेंगे। पहला प्रश्न है, पोल्ट्री स्टेट की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है पोल्ट्री स्टेट की स्थापना कहाँ पर की गई है? धार में, जिले में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना जो की गई है वह की गई है इंदौर के देपालपुर में। ठीक है, देपालपुर इंदौर में, इंदौर जिले में आता है, यहाँ पर जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कब पृथक डाक तार परिमंडल का गठन किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कब यहाँ पर पृथक डाक तार परिमंडल गठन किया गया है? दोस्तों, यहाँ पर हम देखें 1 अप्रैल 1962 को जो है डाक तार परिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर किस वर्ष खजुराहो की स्थापना शताब्दी मनाई गई? तो दोस्तों, किस वर्ष मनाई गई थी खजुराहो की स्थापना शताब्दी? हम देखें यहाँ पर वर्ष 1999 को जो है खजुराहो की स्थापना शताब्दी मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में खेल सुविधाओं को बढ़ाने व उनका उचित उपयोग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए और उनके उचित उपयोग के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन प्लेफील्ड। ठीक है, ऑपरेशन प्लेफील्ड के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो भील इस्लाम धर्म अपना लेते हैं उनको हम तड़वी भील के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसेट के रिसने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसमें बची गैस को समाप्त करने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों, 1984 की जो घटना थी, त्रासदी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसेनेट गैस का रिसाव हुआ था, इससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी, और इसको जो इस मतलब संयंत्र में जो गैस बची थी उसको समाप्त करने के लिए जो सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फैथ। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन फैद के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, जो वित्त निगम मध्य प्रदेश का, इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। आगे हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला साग सब्जी बीज प्रक्रिया केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों, साग सब्जी बीज प्रक्रिया केंद्र जो है मध्य प्रदेश का पहला है और कहाँ पर स्थापित है? खरगोन जिले में है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, कलस्पा नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जो कलस्पा नामक पुरातात्विक स्थल है यह जो है उज्जैन जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन व्यापम अधिकतर पूछता है। तो कहाँ स्थित है? उज्जैन जिले में है, स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र किस स्थान को माना जाता है? मंगलनाथ। ठीक है, उज्जैन में स्थित है मंगलनाथ, संदीपनी आश्रम के पास में स्थित है, तो इसको जो है पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। चलिए आगे चले हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश का कौन सा स्थान टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आगर जो गांव है होशंगाबाद जिले में, यह जो है टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, जो मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया, और यह जो है देश का पहला मोबाइल बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यटन न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, पहला पर्यटन न्यायालय मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में यहाँ स्थापित किया गया है, और यह जो है प्रदेश का पहला पर्यटन न्यायालय है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो जनगणना घनत्व है वह कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो दोस्तों, जो लिंग अनुपात है वह है 931 प्रति 1000 पुरुषों में। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। देख लीजिए, अब ऐसी स्थिति है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट हम देखते हैं, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो उद्यान स्थित है वह धार जिले में स्थित है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का संपूर्ण
कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टर्सियर चट्टान है जो यहाँ से मध्य प्रदेश का जो कोयला प्राप्त होता है, जितना भी कोयला प्राप्त होता है इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, और चट्टानों का नाम क्या है? टर्सियरी चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए प्रख्यात मझगमा की खान कहाँ स्थित है? तो मझगमा की खान जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो कि हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हम देखें सतना और पन्ना की सीमा पर यह गांव पड़ता है। ठीक है, मझगमा यहां पर हीरा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर छतरपुर जिले के अंगोर से क्या प्राप्त किया जाता है? दोस्तों अंगोर नामक स्थल छतरपुर जिले में है, यहाँ पर से जो है हीरा के भंडार यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना जो है वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आदिवासी चित्रकार पेमा फाल्या किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार थे? तो दोस्तों पेमा फाल्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेमा फाल्या जो है किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं दोस्तों? पिथौरा चित्रकला के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, लरुकाल किस मुख्य पर्व है? ठीक है, तो लरुकाल दोस्तों जो है किसका मुख्य पर्व है? हम देखें यहाँ पर गोंड जनजाति का है मुख्य पर्व है लरुकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोकनृत्य है? तो जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ढोला मारू एक प्रचलित लोक नाट्य है, यह मूलतः कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित सोहर गीत कब गाया जाता है? तो जो बघेलखंड में एक सोहर गीत गाया जाता है, तो यह कब गाया जाता है? पुत्र के जन्म के समय। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, गलती से थे हो गया, पुत्र के जन्म के समय यह गीत गाया जाता है, और उस गीत का नाम क्या है? सोहर गीत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह मैं आपके लिए निरंतर और आगे भी इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।